को पार किया, एक का योगेश्वर नहीं बने। इसलिए प्यारे सत्संग जी, कह रहा हूं, कहता हूं, कहता जाऊंगा, जब तक वह नाम इस बॉडी में बैठा है तब तक बोलूंगा, तुम्हें जगाने की चेष्टा पूरी करूंगा। तुम ना जागो मुझे फर्क नहीं पड़ता, परंतु इतना है कि ये वाणी मैं सभी फिर पीर पैगंबर, कुतुब औलिया, ऋषि मुनि, जपी, सन्यासी, योगी, पीर पैगंबर सबको कह रहा हूं, तुम मेरा सत्संग प्रतिदिन सुनते हो, अब जब गर्भ में आओगे तो भूलना नहीं, वही आना जो मां दीक्षित होगी पूर्ण सतगुरु, नहीं तो ब्रह्मांड में घूमते रहे, तुम्हें भूख नहीं सताएगी, कुछ नहीं सताएगी, तुम पर है गर्भ में आना। इसलिए वही आना जिसने किया है सतपुरुष में ठिकाना, उसी को ठिकाने को बनाना अपना ठिकाना, फिर पूर्ण मोक्ष के घर में मिलेगा ठिकाना। जैसा तन पाओगे वैसे ही बन जाओगे, चौबीस घंटे जो सिमरन में रहता उसकी सुरती तुम्हें बार बार अंदर तन में जाएगी, सारा तन चेतन होता जाएगा। जब तुम जग में आओगे चेतन सुरती चारों ओर तुम पाओगे, चेतन से चेतन हो जाओगे, अब किसी को कुछ कहना नहीं, तो पहले से ही अंदर से ही तुम्हारा कोच तुमको तैयार कर रहा है, अंदर से ही तैयारी होती है। जो मां गाती है ना उसका बच्चा पक्का गायक होता है, आप परख के देख लो, पक्का होता ही हो, क्योंकि वो तरंग जो है आत्मा संगीत, आत्मा की तरंग, जो संगीत गाते हैं, ये भी बोल दो, उसमें काफी अच्छे गुण होते हैं, लेकिन कई भटक भी जाते हैं, ऐसा भी देखा, उनके अंदर एक मान सा आने लगता है, एक जड़ वृत्ति जागने लगती है, लेकिन अगर वो उसको काटते चले जाएं, क्योंकि आपने जब पेवन लगाया तो जिस पे पेवन लगाया उसका ध्यान रखना पड़ता, उस पोर्शन का जिस पेड़ पर आपने पेवन लगाया उसमें कोई चीज उगती है तो उसको काटना पड़ता, उसकी टहनी कोई निकलती है उसको काटते हैं, जैसे गुलाब, जंगली गुलाब के साथ आपने दूसरा गुलाब लगाया तो वो गुलाब दूसरी टहनी है वहां से निकालता है जहां से उसका पेवन लगा, इसलिए वो काट देनी पड़ती है ताकि उसे वो बड़ी तेजी से फैलते हैं। इसलिए जो विचार कुछ संगीत से आते हैं उनको काट फेंकना पड़ता है। इसलिए जब तक तुम अंदर के तनु की जानकारी नहीं पाओगे प्रेम नहीं जाग सकता, न प्रेम जाग सकता है, न साधता आ सकती है, न सुख का अनुभव हो सकता है, न आनंद तुमको मिल सकता है। सहजता सहज से आती है, सतगुरु सहज होते हैं तो उनका संपर्क करते हो सहज बन जाते, जैसी संगति तुम जग में पाते हो वैसे ही तुम बन जाते हो, जैसा तुम अन्न खाते हो वैसे विचार तुम्हारे बन जाते हैं, जैसा तुम पानी पीते हो, मदरा पीते हो, अमृत पीते हो, क्या पीते हो, जो पीते हो वैसे ही तो तुम्हारे अंदर के फंक्शन, बॉडी के फंक्शन हो जाते हैं, वैसे ही तुम कार्य करते हो, कोई चीज व्यर्थ नहीं, वो अपना असर करती, अच्छी पाओगे अच्छे बन जाओगे, बुरी पाओगे बुरे बन जाओगे, ये तुम्हारे तक है, तुम क्या बनना चाहते हो क्या नहीं बनना चाहते।
जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट। वो जन क्या पाएगा जो रहा किनारे बैठ, किनारे पर जो बैठा वो क्या पाए। गहरे पानी में डुबकी लगानी पड़ती है, मैं मोस्टली जब बोल रहा होता हूं तो मेरी आंखें बंद होती, कि मैं डुबकी से वहां से बोलता हूं। मैं आपके समक्ष किसी को देख के, मेरे पास यहां जितने मर्जी मैं नहीं देखता, मुझे कोई आप देखो आपको दब। इसलिए मैं तो अंदर गुम हो जाता हूं और वहां से जो मेरा सतपुरुष भाव मुझे सुरती से देते हैं, क्योंकि सतपुरुष की वाणी सुरती है, निरंकार की वाणी भाव है। सुरती और भाव में बड़ा ही अंतर है। एक मन माया की ओर ले चले, एक करे सुरतीवान, दोनों में अंतर अति अधिक है। 180 डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में होता है। एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से बाहर की ओर भाग रहा है, दूसरा सीधी स्ट्रेट लाइन से अंदर की ओर चल रहा है। जो अंदर की ओर चला सब पा लिया, गणेश अंदर की तरफ चला, कार्तिक बाहर की ओर चला, गणेश ने सब पा लिया, कार्तिक सब हार गया। मीरा अंदर की ओर चली, सब पा गई। रामानंद जी बाहर ही चलते रहे, सब खो गए। आज रामानंद जी को जानता है इसलिए कि उनके शिष्य रविदास जी और कबीर साहब थे, तो वो शिष्यों के कारण जाने जाते हैं। उनकी अपनी कोई चीज संसार को नहीं मिली। 700 साल जी के गए संसार में, देख ले। कबीर साहब तो 120 साल जी के गए, रविदास जी 150 साल जी के गए, लेकिन संसार को भंडार दे के गए। लेकिन एक ही बात है, रविदास जी का बहुत कुछ लिखा वो निरंकार के ऊपर ही रह गया, और लोग उनको निरंकार में ही डाल के तो भक्ति कर रहे। इसी तरह कई लोग जितनी पंक्तियां कबीर पंथी उनकी बनी वो भी कबीर साहब को संसार में ही डाल के चल रही है, क्योंकि उन्होंने बड़े दो निरंकार के हक में लिखे, मेरा हरि मुझको भजे मैं पाऊं विश्राम। इसी तरह लिखा, अब न रहूं माटी के घर में, जाऊं बसूं हरि में। तो बात यहां से लोगों को भरम पड़ गई। मैं एक भी दोया नहीं लिख रहा जो भरम में डाले। आज जो आपके सामने मैंने 14 दोए सुनाए हैं गा के, ये पहले एक भजन था 6 अंतरों का, उस सारे को तब्दील करके 14 दोए में इसको प्रेम की लड़ी में परो दिया। आज रात को ये काम किया, इसलिए मैं संसार को जगाने में लगा हुआ, कोरोना लोगों को बीमार करने में लगा है, मैं संसार को जगाने, दोनों ताकतें अपोजिट में काम कर रही हैं, मैं जगाने में लगा। लेकिन संसार इस समय पीड़ा में है, जागना नहीं चाहता, लेकिन पीड़ा का ही समय होता है जब संतों की वाणी सुन के अमृत मिलता है। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी का सिमरन पकड़ लो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं बोल रहा हूं, मैं आपके सामने बैठा, मैं अहंकार से नहीं कह रहा, नहीं, ये सतपुरुष का शब्द है। सतपुरुष ये हम बोलने में लगाते हैं, वैसे तो ये वो विदेह होता है, विदेह शब्द को दिया नहीं जाता, लेकिन इस शब्द से मेरी संगत एक दूसरे को बुलाती, इसलिए इस शब्द को ओपन। और ये सतपुरुष से नहीं आया, इसको मैंने ही शेप दिया। मैं हर चीज सत्य बोल के चलने वाला हूं, मैं कहीं झूठ फरेब की दुनिया से काम नहीं लेता। इसलिए मैं बार बार आपको सुनाता हूं कि रिश्ते पहला दोया रिश्ते नाते काल के बंधन, देखो कितना मोह है। जब आया था कहां से आया तुम नहीं जानते, जो कल तुम्हारा बेटा बना या बेटी बनी। तुम जब आए थे तुमको नहीं पता था मैंने कहां आना है, बाप को नहीं पता था, मां को नहीं पता था कौन आना,
लेकिन संसार में जब मेल होता है तो इतना बढ़ जाता है कि आप, मैंने बोला था एक बार, अगर गैलेक्सीज और गैलेक्सीज सारी की सारी माया बन जाए और किसी एक साधक को सतगुरु दे दे, ले लो भाई, और तुम कहो कि उसकी तृप्ति हो गई, उसकी तृष्णा मिट गई, नहीं सर, उसकी तृष्णा कभी नहीं मिटती, माया से कभी तृप्ति नहीं होती, वो बढ़ती है, बल्कि जो जो माया आएगी और ही बढ़ती जाएगी। इसलिए माया भी जब दान देता है तो उसमें भी राज होता है, वो उससे भी बड़ा लाभ लेने की चेष्टा में होता है। वो कहता है कि ये मुझे मौका मिला, अब मैं पैसे का प्रयोग कर लूं और इससे अच्छा लाभ पा लूं। वो लाभ के लिए सारा काम करता है, वो इसके लिए नहीं करता कि लोगों का भला हो, होता है लोगों को भी भला, लेकिन उसमें उसका अपना स्वार्थ बहुत ज्यादा होता है। ये संसार की दशा है, इसमें कोई झूठ की बात मैं नहीं कह रही। इसलिए कहा रिश्ते नाते काल के बंधन, चेतन सुरती सुरती अंदर। चेतन सुरती बोलते हैं सतगुरु की, तुम्हारी सुरती को चेतन करेगी सतगुरु की सुरती और दुनिया की कोई चीज। मैंने कहा गैलेक्सी आफ्टर गैलेक्सी तुम्हें दौलत मिल जाए, तुम्हारी सुरती को कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब कुछ मन से आएगा ना। जो दौलत है वो मन की माया है, वो मन की बेलड़ी है, वो और बेल फैलती चली जाती है। इसलिए तुम्हें 100 गैलेक्सी का राज भी मिल जाए तो तुम और मांगो, और मिल जाए तो और मांगो, और मिल जाए तो सतपुरुष को वही कहोगे, जैसे निरंकार भगवान ने सतपुरुष को कहा था, ये राज ही मुझे दे दो जो तुम कर, ये मैं मुझे सौंप दो ना। इसलिए तुम्हारी मांगे जो है उनका अंता ही नहीं। इसलिए अगर उनकी मांग नहीं रजी थी, पहले उनको मानसरोवर मिला तो वो नहीं रजे, तो अब ये 3 लोग उनको मिले। अब मुझे नहीं पता, मैंने उनसे इस बारे में नहीं पूछा, लेकिन कहां रहा, कहां इसमें तृप्ति हो सकती, किसी की हो ही नहीं सकती, माया में तृप्ति है नहीं। इसको तजने में सुख है, इसको पाने में सुख नहीं। इसलिए रिश्ते नाते काल के बंधन, चेतन सुरती सुरती अंदर। चेतन सुरती जब तुम्हारे अंदर होगी तो तुम जागो। एक एक लाइन में मैं लिखता हूं, उसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता, ऐसे तुम्हें समझ ही नहीं आएगी। जब मैंने लिखा चेतन सुरती सुरती अंदर, चेतन सुरती होती सतगुरु की, और सतगुरु की सुरती चेतन कब होती है, जब उसमें सतपुरुष की सुरती है। पूरा सतपुरुष जिसमें समाया होता है वो सुरती चेतन कहलाती है, और वो जब चेतन सुरती तुझ में आती है तो तुम भी एंडलेस ना खत्म होने वाला महासागर बन जाते हो, लेकिन तो भी कहते हो बाबा ये दे दो, मांगे वहीं की वहीं रहती है। क्यों? आदत बचपन से पड़ गई, वो जाती है। जो माँ बाप ने आते तुम्हें दे दी वो तुम्हारी छूटती नहीं, वो तुम्हें पल पल भरमाती है और पल पल तुम्हें आगे की ओर नहीं पतन की ओर ले जाती। बाहर चले तो पतन है, मैंने कहा ना 0 से एक साइड पर एक लाइन डाल के 180 का एंगल बना दो, वो मन की ओर बाहर जाता है, और दूसरी तरफ उसी 0 के साथ तुम उसकी अपोजिट साइड में राइट हैंड साइड में लाइन डाल दो, वो तुम्हारे अंदर की ओर जाती है। लेफ्ट में डाली तो बाहर की ओर जाती है, राइट में डाली तो अंदर की ओर जाती है। 0 ही बहुत बड़ी चीज है, और जब तुम अंदर चलोगे तो वो तुम महानता लाती है। 0 सहज बनाती है, अब उसकी ओर अंदर चलो तो प्रेम जगाती है। जब प्रेम जगता है आनंद की खुशबू आती है, तभी तो का फूल खिल जाता है। इसलिए मैं 1-1-14 दो ही समझाते हुए कई दिन लगेंगे,
एक दिन में मैं 14 दोहे, आज तक मैंने कोई भजन आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, थोड़ा सा ही आपको मिला और मैं आगे चलना पड़ता है, क्योंकि मैंने बहुत भजन लिखे और अभी भी लिख रहा हूं, हर भजन को फिर बढ़ा रहा। अगर कोई भजन 8 अंतरों का है तो मैं उसको 12 बना रहा, अगर कोई 8 का 10 का है तो उसे भी 12 बना रहा। तो कोशिश है मैं आपको, और आज चूंकि प्रेम का टॉपिक था, आज मैंने 14 इसके अंतरे बनाए और आपके समक्ष रखे, गा के तो सुना दिया, अब उनकी बार बार, मैं इस भजन को खत्म नहीं करूंगा और उस भजन को भी नहीं खत्म करूंगा जिसमें मैं आपके समक्ष भी रो पड़ा था, उस भजन को भी मैं पूरा समझाऊंगा कि क्या है उसमें, किस कारण मैं सत्संग में बैठा हुआ रो पड़ा। यही घटा मेरे नानक जी से हुई, वो जब छोटे ही थे, मैंने 2 में लिख दिया, शायद 10वें 2 में है, 8वें में अभी बता दूं, उस 2 में पपीये की आवाज दरख्तों से आती है, पी कहां पी कहां, इस आवाज ने बाबा नानक को झंझोड़ के रख दिया। और उस समय बच्चे ही थे, बाबा नानक रो पड़े, क्योंकि ऊंची आत्मा जो होती है वो काफी पहले से जागी होती है। जैसे मैं आपके समक्ष बैठा हूं, आज पता लगता है कि मैं काफी जागा हुआ, क्योंकि मुझ में सहनशीलता बहुत थी। मैं आपको एक इंस्टेंस सुनाता हूं सहनशीलता का। मैं जब 12th में पढ़ता था तो हमारे वक्त में 12th बहुत बड़ी चीज थी, उसी पर सारा फ्यूचर डिपेंड करता था। मेरे कजन ब्रदर एक थे, वो मेरे पास आ जाते थे कभी कभार, वो पढ़ाई में कोई उन्नति ना कर सके, वो ऑलमोस्ट मेरी एज के थे, बल्कि दोनों एक ही एज के थे, हम कोई 6 महीने का फर्क होगा आपस में। उन्होंने और मुझे दुनिया का कोई पता नहीं था। एक दिन वो आए, क्योंकि मेरा कमरा खुला होता था, कभी ताला नहीं उसमें होता था, और वो ऊपर था, जिस तरह आज भी ऊपर है मेरा इधर कमरा, वो कमरा मेरी बुआ ने मुझे दिया था, वहां मैं रहता था, उनके पास पढ़ता था, उन्होंने मेरी बड़ी मदद करी है, बेभाव की है। तभी मेरे जो अंकल हैं वो निजदाम हैं, जो उनके फादर हैं वो भी निजदाम हैं, क्योंकि जो मेरे जीते जी मैंने अगर ये दाद पाई थी तो उसको जीते अब आना पड़ता है, क्योंकि वो पहले चले गए थे, और जिस समय मुझे दाद मिली तो 71 पीढ़ियां ताकते समय वो भी मेरे पास आए। जो मेरे अंकल के फादर साहब थे वो तो पहले नहीं आए, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने मुझे पुकारा, क्योंकि उनको बुलाना पड़ता तो आते, क्योंकि रिश्ते की सीमा होती है। तो उन्होंने मुझे कहा, उनको मैं बाबूजी बोलता था, उन्होंने कहा तुम मुझे भूल गए, क्योंकि वो मेरा बड़ा ध्यान रखते थे, बड़ा ही ज्यादा। तो मैंने कहा नहीं बाबूजी, मैं आपको नहीं भूला, आप आ जाओ, आज रात को आओ, मैं दीक्षा दूंगा, आपको मोक्ष दे दूंगा। पक्का आए, मैंने उन्हें दीक्षा दी और आज वो मानसरोवर। तो प्यारे सत्संग जी, उस मेरे भाई ने क्या काम किया, अभी मेरे एग्जाम को 1 महीना ही था, तो नोट बनाने पड़ते हैं, नोट से, जैसे अभी मैंने भजन आपके सामने बोला तो लिखा है, अभी कोई ले जाए तो मैं और लिखूंगा, लेकिन डिफरेंट होगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरी कॉपी पे लिखा है, ये अभी पुस्तक में नहीं आया, पुस्तकों का जो ये दोया था मैंने सारा ही चेंज कर दिया, उसके सारे अंतरे मैंने चेंज कर दिए, एक अंतरा भी नहीं वो रखा, 14 के 14 बदले हैं, इसलिए मुझे इसको लिखने में 3-4 घंटे लगे। तो मैं आपको बता रहा था, जिस तरह भी बाबा नानक का सीन सुनाया, कि बाबा नानक को उनकी माँ भागी भागी आई तो बोली क्या बात है, तो क्यों रो रहा है, वो नहीं कुछ बता पाए, कैसे बताते, इस रुदन का कोई उत्तर नहीं होता, इस रोने का कोई उत्तर नहीं होता।
तो ये तो अंदर की भाषा होती है। इसी तरह मैं अपना आपको सुनाने लगा और रोने का एक सीन, बड़ा विचित्र था। अभी अभी अंदर से आवाज आई कि इसको ले लो, तो मेरा मेरे सारे के सारे नोट उस मेरे ब्रदर ने रद्दी के भाव किसी दुकानदार को दे दिए। उनको थोड़ी बहुत चोरी की आदत थी, लेकिन उस समय मैं नहीं समझ पाया कि किस कारण इससे कितने पैसे मिल जाते। 10-12 रजिस्टर थे, 2 या 4 रुपए, लेकिन इतना तो वो नहीं गिर सकते थे क्योंकि ऐसी दशा तो थी नहीं। तो उन्होंने दे दिए मुझे। पहले जो मेरे पास कोई मित्र आते थे उनसे पूछा कि मेरे नोट्स नहीं मिल रहे, कोई एक भी नहीं मिल रहा, सारे के सारे गुम हैं। एक मेरे क्लासमेट थे, उनका नाम कीरत सिंह था, वो कॉलेज में मिले तो मैंने कहा बात क्या, मेरे नोट नहीं मिल रहे, तो आप आते थे पढ़ने तो कोई आपके पास तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपने, मैं जो भी लूंगा चीज पूछ के लेता। तो एंड में मुझे वो सीन याद आ गया कि उस दिन वो मेरे कजन ब्रदर आए थे और उसके बाद नोट नहीं मिले। मैं उनके घर पहुंचा, उनकी मम्मी भी उधर ही थी, उनके फादर भी वहीं थे और वो थे, तीनों थे। मैंने उनके साथ हाथ बांधे, मैं रोया, बेभार रोया। मैंने कहा मेरा सारा कैरियर है और मैं तो तुम्हें पता है गरीब बच्चा हूं, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? तुमने जहां नोट दिए मुझे दो, मैं वहां से ले लूंगा। अभी उसने सारे नहीं फाड़े होंगे, कोई एक आधा फाड़ा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस मेरे भाई के अंदर एक पैसे की भी कोई प्रेरणा नहीं जगी। वो खामोश रहा, कुछ ना बोला, न उसकी माँ बोली न उसका बाप बोला, कुछ ना बोले। और कोई बाहर से वहां से, मैं बड़ा रो रहा था, और कोई बाहर से वहां से गुजरा, वो मुझे जानते थे, वो भी पास से गुजर गए कि किसी कारण रो रहा है। कोई बेश ना मेरी चली तो फिर मैं वहां से रोता रोता वापस आ गया वही अपनी बुआ के घर। और फिर मैंने एग्जाम दिया और जो मैंने एक्सपेक्ट किया था नंबर, वो तो नहीं आ सकते थे ना, क्योंकि एक महीना अब क्या नो मैं नोट बनाता। मैंने सारा जीवन नोट ही अपने बनाने का मेरा एक अभ्यास था, अब भी वही है। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने इस समय 5,000 से अबो दोए लिख दिए हैं, 300 से अबो मैंने भजन लिख दिए, बड़े बड़े लंबे भजन हैं, जैसे ये 14 अंतरों का है, इसी तरह 10-10, 12-12 बड़े लंबे हैं, अगर उनको डबल करो तो 600 भजन बन जाते हैं। और कईयों के भाग लिखे पार्ट 1 पार्ट 2 और उसमें बोध बोध से 300 तक के वो लाइनें हैं, वो एक ही लाइन, जैसे आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन, तो इस तरह से बोध ये कोई 300-400 तक के लाइनें लिखी। तो इस तरह से मेरा कहना है प्यारे सत्संग जी, आज भी मैं उस सीन को आपको सुनाते हुए आंखें मेरी बंद, मैं खोल के नहीं, जैसे मैं वहां मौजूद हूं आज भी। वो तो मेरे भाई आज दुनिया में नहीं है, वो भी लंबी कहानी है, लेकिन उस समय मुझे मीनिंग समझ नहीं आई थी, लेकिन आज समझ आई। उस समय मैंने कहा इन्होंने रद्दी समझ के बेचा, नहीं, कारण था उनके अंदर जेलसी थी, क्योंकि हम एक एज के थे, वो पढ़ नहीं सके और फेल का साथ मिला, तो उन्होंने कहा मैं इसके साथ भी ऐसा करता हूं तो ये भी मेरी तरह बन जाएगा। लोग टांग खींचते, लेकिन मैं आज के सामने बैठा हूं, मैं बड़ा आगे बहुत बड़ा, बहुत कुछ पाया, बड़ा मान भी मिला मुझे पूरे संसार में, लेकिन मैंने उनको कभी कुछ बुरा नहीं कहा। लेकिन आज पता लगा कि जेलसी थी, ये ओट अब जेलसी उन्होंने उनके अंदर ये था, क्योंकि वो संसारी थे, संसार में चलते थे,
मैं संसार से बहुत दूर था। मैंने कहा कि बहुत थोड़ा अरसा पहले हुआ मुझे ये समझ आई, जबकि ये बात बहुत पुरानी, ये 64-65 की बात, 1964-65 की बात। इसलिए प्यारी सत्संग जी, किस किस को समझाऊं, सब जगह अंधा। अगर कोई आपको लूटता है तो आपका राजदार ही आपको लूटता है। आपको कहीं नुकसान होता है तो राजदार से ही होता है, दूसरे से कम होता है। इसलिए एक बाबा नानक का सीन सुनाया और मैंने अपने उस रुंधन का, रो रहा था मैं अपने मालिक के आगे कि बाबा मैं क्या करूं, कोई मेरा सहायक था ही नहीं। और वो लड़का जो था मेरा ब्रदर, वो थोड़ा गुंडा टाइप का भी था, उसमें वो बातें थी, मैं वो तो नहीं कह सकता, उनको मेरे भाई थे, मैंने नहीं उन्हें कुछ कहा ही नहीं। मैंने उन्हें कुछ नहीं, उसके बाद फिर नहीं कुछ कहा, बस वो मेरा आखिरी रोना, मेरे आंसू बहाना, क्योंकि मैं मालिक के आगे आंसू बहा रहा था, मैं उसके आगे थोड़ा ही बहा रहा था। मैं अपनी प्रीत, जिस प्रीत से मैंने वो नोट बनाए थे, वो मेरे सामने आ रहे थे और मैं रो रहा था। कितने महीने, क्योंकि 11th 12th 2 साल की मेहनत होती है उसमें, क्योंकि सीधा 12th में जाके एग्जाम होता है, उसके बाद आप किसी ट्रेनिंग में जा सकते हो। तो इसलिए मैं किसी ट्रेनिंग में ना जा पाया, आगे पढ़ा, ये उसके कारण। लेकिन इसमें अच्छाई हुई, मैं तो नहीं कहता, मैं इसमें बहुत मान पाया। मैं शायद इंजीनियर बनता तो उसमें इतना मान मुझे ना मिलता, क्योंकि वहां चोरी, मेरे मालिक का हुक्म यही था कि मुझे हक लाल की कमाई खानी। तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया, एक लेक्चर बना, फिर सीनियर लेक्चरर बना, और जब प्रिंसिपल बनने की बारी आई तो मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले, क्योंकि उससे मेरा गुजर नहीं हो रहा था, मेरी फैमिली नहीं चल रही थी, बड़ी कठिनाई में। और मैंने कहा अगर बच्चों को पढ़ाना है तो मुझे कुछ काम करना पड़े, इसलिए मैंने प्री मैच्योर ली और फिर मैंने लोगों को पढ़ाना शुरू किया। मेरे पास, क्योंकि मैं सभी सब्जेक्ट्स में पूरा इंटरेस्ट लेता था, इसलिए पांचों के पांच सब्जेक्ट्स मेरे बड़े अच्छे थे, तो मैं सभी पांच सब्जेक्ट्स की ट्यूशन पढ़ाता था। और वो बच्चे भी किसी और जगह दो दो चार चार जगह की जाने की आवश्यकता नहीं मिलती थी, एक ही जगह सब कुछ पा लेते थे, और वो लोग डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने। तो इसलिए जो आप मालिक के ऊपर अपनी नाव को छोड़ दो, आज मैं कहता हूं जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, मेरे नोट के बहुत अच्छा हुआ, उससे मैं कोई चोरी की नौकरी करता, मैंने जीवन में चोरी नहीं की किसी किस्म की, किसी का पैसा नहीं मारा। लोगों ने फिर आके मेरे से पैसे मांगे तो मैंने जो मांगा दे दिया, पर मैंने चोरी नहीं की, धोखा नहीं किया, दगा नहीं किया। जो नहीं बना उसको कहा तुम फिर पढ़, फ्री ऑफ कास्ट अब पढ़, और बनने के बाद मुझे 10,000 देना। उसमें भी कोई देता था कोई नहीं देता, बनने के बाद कोई नहीं आएगा तो तुम क्या करोगे। और बहुत से कैंडिडेट है जो कभी मेरे सुनेंगे उनको भी पता होगा, नहीं दिए फिर उन्होंने कभी। तो इसलिए आंसू बहाना आ गया तो हो गया भजन, आंसू तुम्हारे तुम्हें बनाते हैं, और ये आंसू जब बहते हैं इसमें मालिक काप होता है, इसमें मालिक की ही झलक होती है, और वो तुम्हें सीधे रास्ते पर लाना चाहते हैं। आज मुझे पता लगा कि वो आंसू मुझे कह रहे थे कोई बात नहीं, कुछ नहीं तुम्हारा बिगड़ा, तुम्हारा रास्ता साफ हो गया, तुम्हें मैंने इंजीनियर नहीं बनाना, क्योंकि मैंने नॉन मेडिकल लिया था तब, तुम्हें इंजीनियर नहीं बनाना, तुम इस रास्ते को छोड़, तुम्हें सच्चे रास्ते पे डालूंगा, तुम हक लाल की कमाई खाना, क्योंकि उसका उसको तो पता था मुझे कहां बिठाना।
मालिक सब जानता है, तुम नहीं जानते। इसलिए जो अच्छी रूहें होते हैं उनको वो खुद रास्ता दिखाते हैं। तुम मांगो मत, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मांगन ते मरना भला, यही संतन की सीख। तो प्यारी सत्संग जी, मैं यही दो उदाहरण देके आज का सत्संग क्लोज करता हूँ और आपसे यही कहता हूँ, मैंने किसी की कोई निंदा नहीं करी, मैंने कोई नाम नहीं लिया, कुछ नहीं करा, क्योंकि ये बनती नहीं बात, लेकिन सच बोला, जो बोला सच बोला। जो उस घर के आगे वाले हैं, किसी को ये बात पता नहीं, ये सिर्फ मेरे को ही पता थी और आज सत्संग में मैंने बताई, वो लोग नहीं जानते, उनको इस बात का कोई भी अता पता नहीं है। इसलिए मैंने कोई हिंट भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, जिससे किसी को कुछ पता चले, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने अपने आंसुओं को बताया और आप भी मेरी आंखों में आंसू, इसलिए अभी मैंने आंख बंद करके ये सारा सीन आपको सुनाया। तो प्यारी सत्संग जी, आज इतना ही रखेंगे, कल फिर किसी भजन के साथ आगे जरूर चलूंगा, लेकिन इस भजन को की व्याख्या प्रेम के लिए करता रहूंगा, वो नहीं छोड़ूंगा। तो ये प्रेम का टॉपिक, तुम समझो ना समझो, मैं अपनी तरफ से इसे लिखता भी जा रहा हूं, आपको समझाता भी जाऊंगा, क्योंकि ये छोटी सी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है प्रेम। तुम जिसको प्रेम समझते हो वो प्रेम नहीं, जिसमें कुछ कहा जाए बोला जाए वो प्रेम नहीं हो, जो सुरती में रह के सुरती से कहा जाए वो प्रेम है। और अभी तुम्हें सुरती की भाषा ही नहीं आती तो मैं क्या कहूं। जब तक तुम मुझसे जुड़ नहीं जाते तुम्हें वो बात मिल नहीं सकती, तो तुम्हें प्रेम आ नहीं सकता, तुम अपने यत्न से ये चीजें नहीं पाओगे। इसलिए मैं बोलने के लिए आया, नहीं तो मैं शायद बोलता भी नहीं, और मैं कुछ इसका चार्ज भी नहीं ले रहा, कोई पैसा भी नहीं कमा रहा, बल्कि खर्च कर रहा हूं, कमा नहीं। मैं जो कुछ आपको दे रहा हूं ना संसार को, इसमें मेरा कोई भी लाभ नहीं, सिवाय इसके कि मैं सतपुरुष का काम कर रहा हूं, मैं उनके हुक्म से सारा कुछ कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, बस सेवा है जो मेरी आपके प्रति, वो मैं करता रहूंगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। तो प्यारे सत्संग से यही मैं विश्राम करता हूं। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब, सतगुरु सतनाम सतसाहिब, बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की।